जनजातीय जिला किन्नौर के पूर्व ब्लॉक में पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। पंचायत समिति पूर्व में 15 सदस्य है, जिनमें 14 पंचायत समिति सदस्यों की उपस्थिति रही। पंचायत समिति पूर्व ब्लॉक के चुनाव ADM पूर्व अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान भाजपा समर्थित उम्मीदवार इंदु किरण को अध्यक्ष पद के लिए 8 मत पड़े, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 6 मत पड़े। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अनिता भाजपा समर्थित उम्मीदवार को 8 मत पड़े और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को 6 मत पड़े। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पूर्व ब्लॉक पंचायत समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को ADM पूर्व अश्विनी कुमार द्वारा शपथ दिलाई गई। पंचायत समिति पूर्व में भाजपा का कब्जा होने पर किन्नौर भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने दोनों उम्मीदवारों को किन्नौरी टोपी हुआ फूल माला व खतक पहनाकर स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। अध्यक्ष इंदु किरण ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पूर्व ब्लॉक में विकास कार्यों को देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आसंग और लिपा के जितनी भी समस्याएं हैं, पूर्व लोग के सभी जितनी भी समस्याएं हैं उसको मैं सहयोग दे दूंगी और सभी संगठनों के साथ मिलजुल कर काम करूँ। वही ADM को अश्विनी कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक हुई है और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ भी लगा दी गई है। पंचायत समिति के निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में दूसरी बैठक बुलाई गई थी। इसमें आज की बैठक में 14 सदस्य जो है वो यहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि कोरम के लिए हमें इस बार साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, तो वो कोरम पूरा था, इसलिए आज निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की गई। चेयरमैन की पोस्ट के लिए श्रीमती इंदु किरण लिप्पा वार्ड से, उनको 8 वोट पड़े। और दूसरी कैंडिडेट चेयरमैन की पोस्ट के लिए सुशीला कुमारी थी, जिनको 6 वोट पड़े, तो इंदु किरण 2 वोट से विजय घोषित हुए। वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए ठंगी वार्ड से श्रीमती अनीता को 8 वोट पड़े और श्री मोहन सिंह को 6 वोट पड़े, तो अनीता 2 वोट से जो है वो विजय घोषित हुई। किन्नौर से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।